टोयोटा लैंड क्रूजर 200। भैया जी, ये आम लैंड क्रूजर नहीं है, ये आती है बुलेट प्रूफ के साथ। और इसके बारे में हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस गाड़ी का डंका बजता है। खास करके भाई इंडिया में ना इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हर सेलिब्रिटी भाई इस गाड़ी को परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है। और ऐसा क्यों, उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई मर्सिडीज जैसी या फिर लेक्सस या BMW जैसी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ बनाते हैं उनको छोड़ के भाई लैंड क्रूजर ही क्यों टोयोटा की, तो उसी के बारे में बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चैनल को ज़रूर से करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक शेयर एंड कमेंट। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो भाई सबको पता है कि टोयोटा का जो इंजन होता है सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन होता है। भाई आप 20 साल चलाओ 40 साल चलाओ कोई इशू आपको इतना खास इसमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, टोयोटा वालों की सर्विस भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब बात करें लैंड क्रूज़र की, तो भाई इनकी जो सेफ्टी है वो एक नेक्स्ट लेवल की बन जाती है टोयोटा लैंड क्रूज़र की, जो कि बुलेट प्रूफ में आती है। तभी तो भाई हर बंदा इसको लेना चाहता है जो कि सेलिब्रिटी है, जिसको अपने सिक्योरिटी को लेके खतरा ही रहता है, वो हमेशा जो है लैंड क्रूज़र पे ही भरोसा करता है। लैंड क्रूज़र जो है आपको काफ़ी सारे ऑप्शन के साथ मिल जाती है। इसके इंजन की बात करूँ तो इसके आपको 3 इंजन मिल जाएंगे। पहला भाई 4.0 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, दूसरा आपको 4.6 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा 5.7 लीटर पेट्रोल इंजन V8 के साथ, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल भी यही है। क्योंकि भाई इतनी भरकम, भारी भरकम जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ, आपको पता है बुलेट प्रूफ गाड़ी का वज़न ना दुगना हो जाता है जब उसको बुलेट प्रूफ किया जाता है। तो भाई उसको भाई खींचने के लिए, मतलब उसके लिए टाइम टू रहते, जैसे कोई हमला होता है तो टाइम रहते भाई उस गाड़ी को एक्सेलरेट करने के लिए पावर भी चाहिए। इसलिए 5.7 लीटर पेट्रोल इंजन V8 के साथ अच्छा रहता है, इसलिए बंदे इसकी को लेते हैं ज़्यादातर। वैसे भी ये 4x4 में आती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती। इसका भाई आर्मर लेवल की बात करूँ तो CEN-B6, B7 और VR7 करके कुछ इसमें आपको आर्मर लेवल मिलते हैं। इंटीरियर में भी आपको कोई कमी रहने वाली नहीं है, जैसे सेम एज इट इज़ जैसे आपको लैंड क्रूज़र में मिलते हैं वैसे ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ेस जैसे आपको वॉकी टोकी, रेडियो स्टेशन जैसी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, जैसे मिलिट्री की गाड़ियों में आपको मिलती हैं, वैसे भी इसमें आपको उस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आप, मतलब कि कोई सेलिब्रिटी है, आप नहीं, सॉरी, आप तो नॉर्मल पर्सन हो हमारी तरह, कोई सेलिब्रिटी है उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। प्रूफ गाड़ी के भी अलग ही पंगे हैं भाई। वैसे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो इसके खर्चे उठा सकते हैं आराम से, क्योंकि भाई इस गाड़ी के ना आपको कुछ चीज़ें जो है साल या 1.5 साल के बाद जो है चेंज करवानी पड़ती हैं, या इससे भी कम समय में 6 या 5-6 महीने में भी चेंज करवानी पड़ सकती हैं। अब क्या चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टायर्स को ले ले, टायर इसके जल्दी, जितनी मतलब कि ये भारी गाड़ी होती है ना उससे, उसको देखते हुए ना ये टायर इसके ना आई थिंक 4 या 5 महीने में ही घिस जाते हैं। दूसरे इसके शॉकर्स हो गए भाई, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि ये भी इनको बदलाने पड़ते हैं, और नॉर्मल नहीं, वो भाई एडवांस ही आते हैं महंगे वाले, जो कि इतनी भारी भरकम गाड़ी का जो है वजन झेल सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं बुलेट प्रूफ में जो करवानी पड़ती हैं, ना तो आप लोगे ये गाड़ी ना ही हम ले पाएंगे। तो ये तो बस इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहा था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।